जय माता दी, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से नई वीडियो में। अगर आप भी श्री माता सुंदरी यात्रा पर आ रहे हैं तो भाई देख लीजिए नजारा, क्योंकि आज सिर्फ दूसरा ही नवरात्रा है और माता रानी ने अलग ही रंग बिखेरे हैं भवन पर। यहाँ पर देखिए कितनी ज़्यादा बारिश हो रही है और भाई मैं भी देखिए भीगने लगा हूँ और आप लोगों को वीडियो दे रहा हूँ सिर्फ इसलिए कि आप लोगों को अपडेट मिल सके और आप सच में अपने साथ ठंड के कपड़े लेके आ सकें, क्योंकि लोगों के दिमाग में ये है अप्रैल का महीना भाई ठंड वंड तो होगी नहीं, बट बहुत ही गलत है। बादल गरज रहे हैं, आप आवाज़ सुन सकते हैं। यहाँ पर प्यारी सी माता रानी का देखिए भवन है, ये आप सामने देख सकते हैं और जहाँ तक आपकी नज़र जाएगी भाई वहाँ तक आपको बारिश ही बारिश मिलेगी। आप लोगों को मैं यही कहना चाहूँगा, जितनी भक्त यात्रा करने के लिए आ रहे हैं कम से कम आने वाले हफ्ता भर के अंदर काफ़ी ज़्यादा बारिश होने के चांसेस हैं, तो भाई अपने साथ ठंड के कपड़े बढ़िया से लेकर आते रहिएगा। जो छोटे बच्चे बड़े बुजुर्ग हैं उनका खास ध्यान रखते हुए, और इस समय देखिए रोपवे बंद हो चुका है, अभी थोड़ा जो रोपवे है ना शाम के 5-6 बजे तक चल रहा है, तो ये काफ़ी बढ़िया बात है। और बारिश आप देखिए भाई बारिश कितनी ज़्यादा हो रही है यहाँ पर, तो इस चीज़ का भाई बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। जो भी भक्त इस समय आ रहे हैं उस समय बारिश बहुत है, ठंड बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है सच में, और यहाँ पर अब ज़्यादा परेशानी उन लोगों को होने वाली है जिनके पास रुकने की कोई व्यवस्था नहीं है, कोई बुकिंग नहीं है, वो कैसे रुकेंगे। बारिश में तो आप खुले में सो नहीं सकते हैं, बारिश नहीं होती तो आप कहीं भी सो जाते हैं कंबल वगैरह लेके, बट अब कैसे होगा, ये काफ़ी बड़ी परेशानी होने वाली है। और यहाँ पर देखिए क्या नज़ारे बने हुए हैं जी माता रानी की यात्रा पर, ये देख सकते हैं। और यहाँ पर सारे देखिए पेड़ वेड़ हिल रहे हैं, लाइटें लगी हुई हैं, पूरी हिल रही है, और क्या ही नज़ारे हो रहे हैं माता रानी की यात्रा से। और भाई यहाँ पर देख रहे हैं आप भक्त अंदर किस तरीके से बैठे हैं, इतनी ज़्यादा भीड़ है कि यहाँ पर लोगों को चेयर नहीं मिल पा रही, नीचे बैठना पड़ रहा है लोगों को, तो कुछ ऐसी व्यवस्था बन रही है। वीडियो बनाते बनाते देखिए मेरे ही हालत है, मेरे खुद कपड़े गीले हो चुके हैं। तो डेली मैं अपडेट्स आपको दे रहा हूँ श्री माता वैष्णो देवी यात्रा की, कि कैसे आप यात्रा कर सकते हैं, यात्रा पे क्या परेशानी आ रही है, कठिनाइयाँ आ रही हैं, उन चीज़ों को भी मैं बता रहा हूँ। चैनल को फॉलो करते रहिएगा, सब्सक्राइब करना अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, कमेंट में जय माता दी भी लिख देना। आप सभी भक्तों की यात्रा सफल हो मैं तो यही कामना करता हूँ। बट देखिए ये देखने वाली चीज़ है, डरने वाली चीज़ नहीं है कि यात्रा पर इस समय माहौल कैसा बना हुआ है, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि भाई ठंड बहुत है, बारिश बहुत है, और मौसम पहाड़ का कभी भी बदल जाता है, कभी भी पहाड़ पर एक जैसा मौसम होता नहीं है। ज़रूरी नहीं है कि अभी बारिश हो रही है तो कल भी होगी, डेली डेली मौसम काफ़ी ज़्यादा चेंज होता है। तो मैं आप लोगों को यही कहना चाहूँगा कि आप यात्रा पर आइए, माता रानी की यात्रा पर कोई परेशानी नहीं है, परंतु थोड़ा सतर्क होकर आने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर आप ऐसे ही आ जाते हैं और मान के चलिए ठंड के कपड़े नहीं लेके आते हैं तो कहीं ना कहीं परेशानी तो आपके लिए बन जाती है। तो इन्हीं चीज़ों का ध्यान रखना है, और 5 पांडव यात्रा अगर इस साल हो पाती है, अगर मौसम साफ रहता है तो ही 5 पांडव यात्रा हो पाएगी। अगर होती है तो कोशिश करेंगे इस साल 5 पांडव यात्रा जाने की, अगर माता रानी हमें अनुमति देती है। बाकी अगर माता रानी की पवित्र यात्रा से रोज़ाना लाइव प्रसारण आप देखना चाहते हैं, माता रानी के लाइव दर्शन करना चाहते हैं भवन के, तो मैं डेली के डेली रात को 9:30 बजे लाइव आता हूँ भवन से नवरात्रि के समय। तो रात को 9:30 बजे डिवोशन पॉइंट के यूट्यूब चैनल पर आकर आप हमें लाइव देख सकते हैं, अपनी बातें रख सकते हैं, और मैं पूरे भवन का नज़ारा आपको दिखाता हूँ कि कैसी सजावट है, क्या तैयारियाँ इस समय चल रही है और क्या कुछ माहौल है। तो भी ये देखिए जी भोजनालय के अंदर का नज़ारा है, और यहाँ पर देख सकते हो भीड़ कितनी ज़्यादा है भाई। जब इतनी ज़्यादा ठंड हो गई तो सब लोग भोजनालय के अंदर आ गए, और यहाँ पर तो काफ़ी हद तक ठंड कमी हो जाती है, इतने सारे लोगों में ठंड का पता ही नहीं लगता है। और बाहर भी कुछ नज़ारा ऐसे ही, सब लोग इंतज़ार कर रहे हैं कि बारिश ख़त्म हो तो बाहर निकल पाए, पर देखिए यहाँ पर अभी क्या माहौल बना हुआ है। तो भाई कुछ ऐसा ही नज़ारा यहाँ पर है, ये देख सकते हैं आप, देख सकते हैं जी भवन परिसर के बाहर का नज़ारा है और मनोकामना भवन के पास का नज़ारा है। देखिए क्या यहाँ पर माहौल बना हुआ है, बिल्कुल ऐसे जैसे आंधी तूफान चल रहा हो, बहुत ज़्यादा तेज़ यहाँ पर हवाएं चल रही थी। और ये देखिए भक्तों का यहाँ पर क्या हाल हो गया है, और बारिश से सही में ठंड बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, ये देखिए जी ठंड कितनी ज़्यादा यहाँ पर बढ़ गई है। और माता रानी ने अलग ही रंग बिखेर दिए हैं भाई यात्रा पर इस समय सच में। और अभी भी देखिए लोग डर नहीं रहे हैं, अभी भी लोग छिप नहीं रहे हैं, अभी भी देखिए दर्शन करने के लिए जा रहे हैं, ये लोग दर्शन करने जा रहे हैं, वो लोग प्रसाद खरीद रहे हैं, तो भाई ऐसा चल रहा है यहाँ पर। बट ठंड सच में बढ़ चुकी है, और भाई ठंड के चलते चलते मौसम भी बहुत प्यारा हो गया है, ऐसा मौसम सच में बहुत ही मुझे तो अच्छा लगता है यात्रा पर आने के बाद में। ये देखिए जी अभी लगभग शाम का समय है, लगभग 5:30 हो रहे हैं, और ऐसा यहाँ पर माहौल बन चुका है, ये देखिए। वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय माता दी।